हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं BSc 6 सेमेस्टर के छात्रों के लिए एक टॉपिक लेकर के आया हूँ और ये लेक्चर नंबर 1 है, पहला लेक्चर है। और ये टॉपिक हॉर्टिकल्चर विभाग का एक पेपर है, जिस पेपर का नाम है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ मेडिसिनल एरोमेटिक एंड स्पाइस क्रॉप्स से संबंधित है। और इस टॉपिक का जो मैं टॉपिक आज ले रहा हूँ, उस टॉपिक का नाम है औषधीय एवं सुगंधित पौधों का परिचय, परिभाषा एवं इनका महत्व। इस टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे, तो मुझे आशा है कि आप अच्छे से इसको समझेंगे, पढ़ेंगे और इसके नोट्स तैयार करेंगे। सर्वप्रथम हम इसकी परिभाषा को ले लेते हैं, क्योंकि परिभाषा ही तय करती है कि पौधा या कोई भी साइंस है, उसकी परिभाषा से पता चल जाता है कि ये क्या कहने वाले हैं, क्या होता है। तो अभी हम यहाँ परिभाषा, मैंने दो परिभाषाएँ इसकी दी हैं, तो इन परिभाषाओं को आप समझ के कैटेगराइज कर सकते हैं कि औषधीय पौधे कौन से होते हैं। तो सर्वप्रथम हम पहली परिभाषा को ले लेते हैं। देखिए, ये दिया हुआ है, एक पौधा जिसके एक या अधिक भाग में या अंग में ऐसे पदार्थ होते हैं या पाए जाते हैं जिनका उपयोग चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है, या जो कीमो फार्मास्यूटिकल अर्धसंश्लेषण के पूर्ववर्ती हैं। ये एक परिभाषा है, इसको आसानी से आप कंठस्थ कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, साधारण शब्दों में है। दूसरी परिभाषा को और अच्छे से बड़े साधारण तरीके से आप समझ सकते हैं। कौन सी परिभाषा है? जिस पौधे में या जिन पौधों में एक या अधिक भाग में ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जिनका उपयोग बीमारी या बीमारियों के उपचार के लिए किया जा सकता है, औषधीय पौधे कहलाते हैं। बहुत आसान, सिंपल सी साधारण भाषा में आप समझ गए होंगे, ऐसे पौधे जिनके एक या अधिक भाग में ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जिनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जा सकता है, औषधीय पौधे कहलाते हैं। बड़ी सिंपल साधारण सी भाषा में आप समझ गए होंगे। अब इसका कुछ बिंदुओं के द्वारा हम और समझेंगे। ये बिंदु कौन से हैं? पहला बिंदु है जिसको हम बहुत सुनते रहते हैं, समझते रहते हैं, डेली यूज होती हैं, क्या? जड़ी बूटियाँ। जड़ी बूटियाँ क्या है? अब औषधीय पौधों को हम साधारण सी भाषा में जड़ी बूटी भी कहते हैं, चूंकि हर्ब इंग्लिश में हर्ब भी कहा जाता है, तो इसको हर्बलिज्म भी कह सकते हैं, और चूंकि हर्बल दवाओं में इसका उपयोग होता है, तो ये एक बिंदु से हम समझ सकते हैं हर्बल दवाओं में हर्ब्स का इस्तेमाल होता है, वो क्या है? औषधीय पौधे। तो ये एक एक साधारण सा आप समझ गए होंगे। अब आगे चलेंगे हम अगले बिंदु की तरफ। तो ये जो दूसरा बिंदु है, आप इससे समझेंगे आसानी से कि औषधीय पौधे, वैसे तो साधारणतः कहा जाता है कि औषधीय पौधे पारंपरिक चिकित्सा एवं हर्बल उद्योग के लिए इनका उपयोग किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। केवल यहाँ मैंने दिया है कि केवल ना केवल पारंपरिक चिकित्सा एवं हर्बल उद्योग के लिए औषधीय पौधों का इस्तेमाल होता है, बल्कि एक बड़े क्षेत्र में, बड़ी आबादी के लिए, वहाँ का जो प्राकृतिक क्षेत्र है उससे प्राप्त होने वाले पौधे या उत्पाद वहाँ के जीविका का साधन भी बनते हैं, और उनसे जो प्राप्त जड़ी बूटियाँ होती हैं उनसे स्वास्थ्य सुरक्षा भी होती है। तो ऐसा नहीं है केवल ये पारंपरिक चिकित्सा और हर्बल उद्योग के लिए, वहाँ के आजीविका का साधन भी बनते हैं और वहाँ के स्वास्थ्य सुरक्षा का साधन भी बनते हैं। तो ये आप हम आसानी से इसको समझ सकते हैं, समझ गए होंगे। अब अगला बिंदु हम लेंगे। अभी देखिए कुछ कदम है जो भारत सरकार के द्वारा उठाए गए, जब इनके महत्व का पता चलता है तो फिर इनको, इनके क्षेत्र को, यानी कि इनके मतलब औषधीय पौधों के क्षेत्र को, औषधीय एवं सुगंधीय पौधों का क्षेत्र, उनका उत्पादन, उनकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कुछ कदम उठाए जाते हैं, तो भारत सरकार के द्वारा भी समय समय पर कदम उठाए गए। अब वो कौन से कदम है? देखिए, सर्वप्रथम सीमैप की स्थापना की गई। सीमैप क्या है? लखनऊ में एक संस्थान की स्थापना CSIR, यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR, जो साइंस के क्षेत्र में काम करता है, उसके अंदर में एक फ्रंटियर प्लांट रिसर्च लेबोरेटरी की स्थापना की गई, जिसका नाम उस वक़्त रखा गया केंद्रीय भारतीय औषधीय पादप संगठन। 1959 में इसकी स्थापना की गई। किस नाम से की गई थी? उस वक़्त इसका नाम दिया गया था केंद्रीय भारतीय औषधीय पादप संगठन, लेकिन बाद में इसका नाम, चूंकि CSIR के अंडर में ये लेबोरेटरी के काम करने लगी, और इसका नाम क्या था? सीमैप। सीमैप का मतलब सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, इंग्लिश में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, सीमैप इसको कहा जाता है।
तो ये देखिए, ये किसके अंडर में काम करती है? CSIR के. CSIR ये संस्थाएं हैं. CSIR जो साइंस के क्षेत्र में काम करती है, ICR जो कृषि के क्षेत्र में काम करती है, ICMR जो चिकित्सा के क्षेत्र में काम करती है. तो यहाँ ये साइंस यानी के विज्ञान के क्षेत्र में काम करती है, जो CSIR है उसके अंडर में ये लेबोरेटरी है, CMAP लखनऊ में स्थित है. तो ये एक सबसे पहले है जो विभिन्न विभिन्न जो तकनीकी हैं उनका इजाद करती हैं. वहाँ के वैज्ञानिक प्रतिदिन लगे रहते हैं कि औषधीय एवं सुगंधित पौधों के क्षेत्र में इनको बढ़ाने के लिए कौन सी नई प्रजातियाँ विकास की जा सकती हैं, कौन सी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है, उनको किसानों तक पहुँचा करके किस प्रकार इनका उत्पादन उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है. फिर जो हम आगे चलते हैं, अगला बिंदु कौन, आगे हम देखेंगे कि एक और, अभी मैंने बताया CSIR के अंडर में एक लेबोरेटरी CMAP की स्थापना हुई, अभी यहाँ ICR जो कृषि के क्षेत्र में काम करते हैं उसके उसके अंडर में एक संस्थान है. वो कौन सा संस्थान है? पहले ये होते थे NRC, राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, बाद में इसको डायरेक्टरेट कर दिया गया, कुछ को बदल करके डायरेक्टरेट कर दिया गया. इसमें औषधीय एवं सुगंधित पौधों से संबंधित भी एक संस्थान है. अब इसका नाम क्या, देखिए सबसे पहले 24 नवंबर 1992 को गुजरात के आनंद डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है बोरियावी, वहाँ पे औषधीय एवं सुगंधित पौधों के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई, जो बाद में डायरेक्टरेट के रूप में परिवर्तित कर दिया गया. आज 25 डायरेक्टरेट है, तो ये 25वां डायरेक्टरेट ICR ने बनाया, जिसका नाम देखिए यहाँ दिया हुआ है ऊपर, आप इसको समझेंगे, औषधीय एवं सुगंधित पौधे अनुसंधान निदेशालय, यानी कि इंग्लिश में आप इसको देखेंगे डायरेक्टरेट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट रिसर्च, DMAPR, इसकी स्थापना की गई. ये भी औषधीय एवं सुगंधित पौधों के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है, उनके उत्पादन को उत्पादकता को कैसे बढ़ाया जा सकता है इस क्षेत्र में काम कर रहा है, तो इसका भी बहुत बड़ा रोल है. इसके अलावा एक और स्थापना की गई सन 2000 में, ये कौन सा था, राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना की गई. इसकी स्थापना 24 नवंबर सन 2000 को राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना की गई. और इस बोर्ड को किसके अंडर में काम किया, जैसे अभी मैंने बताया पहला जो कर रहा था CMAP वो CSIR के अंडर में, दूसरा जो था डायरेक्टरेट फॉर डायरेक्टरेट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट रिसर्च जो था DMAPR, ये ICR के अंडर में काम कर रहा है. अभी यहाँ जो औषधीय पादप बोर्ड है ये आयुष मंत्रालय के अंतर्गत काम कर रहा है, यानी कि आयुर्वेदा, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी, आयुष मंत्रालय के अंडर में ये काम कर रहा है. कौन सा, राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड. इसका क्या काम है, इसका भी काम है औषधीय पौधों के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ये काम कर रहा है. तो ये देखिए तीनों को आप समझ गए होंगे, बड़ा सिंपल सा है यहाँ, एक ये बिंदु जिसमें CMAP की स्थापना हुई, दूसरा डायरेक्टरेट फॉर मेडिसिनल एरोमेटिक, तीसरा राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना हुई. अब इसके बाद एक थोड़ा सा और अगले बिंदु पर हम समझेंगे. देखिए विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा शोध किया गया विभिन्न प्रजातियाँ, चूँकि भारत में भी विभिन्न विविधता है, विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है, बहुत सारे प्रकार के पौधे पाए जाते हैं. अभी जो हमारे छात्र छत्तीसगढ़ से संबंध रखते हैं, जो छात्र झारखंड से आते हैं, जो छात्र नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, या जो छात्र पहाड़ी राज्यों से आते हैं, वो जानते होंगे कि पौधों का भंडार है, उनके उनके क्षेत्र में भी पौधों का भंडार है. बहुत सारे पौधों के नाम नहीं जानते, लेकिन हर पौधे का किसी ना किसी भाग का औषधीय महत्व होता है. तो यहाँ एक सिंपल सा है, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने शोध किया है, मैंने अभी कुछ संस्थानों के नाम आपको बताए जो भारत सरकार के अंडर में काम कर रहे हैं, और उसमें भी कुछ वैज्ञानिकों ने जो अलग अलग शोध पत्र भी लिखे हैं, उन शोध पत्रों के अनुसार मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि कितनी प्रजातियाँ लगभग है. तो यहाँ जो डिफाइन किया गया, जो बताया गया है कि फूलों वाले जो पौधों की 17,000 से 18,000 प्रजातियाँ लगभग लगभग है, उनमें से 7,000 से ज़्यादा प्रजातियाँ ऐसी हैं जिनका औषधीय महत्व है, जिनका औषधीय उपयोग होता है. ये एक अनुमान तय है, 7,000 से ज़्यादा, 8,000 भी हो सकती हैं, 7,500 भी, तो 7,000 से ज़्यादा लगभग ऐसी प्रजाति हैं जिनका औषधीय उपयोग हो रहा है.
किसमें? आयुर्वेदा में, यूनानी पद्धति में, या सिद्ध या होम्योपैथी पद्धति में इनका विभिन्न तरीकों से उपयोग हो रहा है। तो इसलिए इससे हम समझ गए होंगे कि आखिर कैसे औषधीय पौधों का उपयोग हो रहा है और कहाँ कितनी प्रजातियां लगभग पाई जाती हैं। अभी हम समझेंगे कुछ पौधों की, यहाँ मैंने इमेज दी है, कुछ पौधों के फोटो दिए हैं, इनसे आप समझ पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे आप कि कौन से पौधे होते हैं जो औषधीय हैं। और फिर जब हम सुगंधित पौधों के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ भी कुछ इमेज आपको मिलेंगे जिनसे आप समझ पाएंगे कि ये सुगंधित पौधे होते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने कुछ नाम भी उनके दिए हैं, उनका फोटो भी दिए हैं, तो आप यहाँ समझ रहे होंगे बहुत आसानी से और जानते भी होंगे। देखिए ये आंवला है, ये नीम है, और ये सफ़ेद मूसली है। इनके उपयोग आप ये समझ भी गए होंगे। देखिए अब यहाँ आंवले की बात करें तो आप प्रतिदिन घरों में इस्तेमाल होता है। कैसे इस्तेमाल होता है? मुरब्बे के रूप में इस्तेमाल होता है, अचार के रूप में इस्तेमाल होता है, इसका चूर्ण का इस्तेमाल किया जाता है जो डाइजेशन को सही रखता है। तो ये आंवले का विभिन्न विभिन्न प्रकार से इस्तेमाल होता है जो औषधि। इसका महत्व, कई सारे महत्व हैं, ऐसा नहीं कि केवल एक ही महत्व है, कई सारे महत्व हैं आंवले के। और नीम को तो आप जानते ही, वंडर ट्री कहा जाता है भारत में इसको, और भारत में नीम की बहुतायत है, तो भारत को तो पूरा विश्व ये कहता है कि ये तो नीम के मामले में रिच है, क्योंकि नीम एक बड़ा औषधीय पौधा है। ऐसा नहीं, क्योंकि इसकी पत्तियां भी इस्तेमाल होती हैं, इसका बीज भी इस्तेमाल होता है, इसका फल भी इस्तेमाल होता है, और इसका स्टेम, अब आप देखा होगा कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में तो आज भी ब्रश नहीं करते हैं लोग, इसकी छोटी शाख को तोड़ करके, जो ताजी शाख होती है उसको तोड़ करके उसका ब्रश करते हैं, उसका दातुन करते हैं, ब्रश करते हैं, जो दांतों को मजबूत रखता है। तो ये एक देखिए औषधीय है, औषधीय पौधे हैं। अभी अगला बिंदु मैंने बताया था सफ़ेद मूसली। देखिए सफ़ेद मूसली आप भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उगाई जा रही है और इसका अलग महत्व है सफ़ेद मूसली का। अब देखिए एलोवेरा है, आप एलोवेरा को तो समझ ही गए होंगे, जानते होंगे आजकल बहुत सारे टीवी पे ऐड आ रहे हैं, और ज़्यादातर औषधीय पौधों का तो ज्ञान बाबा रामदेव, क्योंकि पतंजलि जो इंस्टीट्यूट है, पतंजलि का जो हरिद्वार में एक ऑफिस है, तो बाबा रामदेव ने पूरे भारत में इसको फैलाया, नहीं भारत ना कि पूरे विश्व में इसको फैलाया है, और उनके द्वारा भी विभिन्न पौधों का, विभिन्न हर्बल जो मेडिसन्स हैं, औषधि हैं, उनके बारे में पता चल गया है। तो यहाँ देखिए एलोवेरा है, एलोवेरा का उपयोग विभिन्न प्रकार की जो क्रीम है उनमें भी इस्तेमाल होता है, और अब आप जो एलोवेरा की पत्तियों को यदि काट करके उनका जो जेल है उसको चेहरे पर लगाएंगे तो मुहासे चले जाते हैं, इसका जूस भी बना करके पीते हैं। शरीर के विभिन्न बीमारियों को दूर करने में इसका एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है एलोवेरा। फिर नेक्स्ट है देखिए तुलसी। तुलसी ऐसा नाम नहीं है कि आप नहीं जानते होंगे, आपके घरों में ज़्यादातर महिलाएं जो हैं वो घर में इसकी पूजा करती हैं, और घर में तो इसके पत्तियों की चाय बना करके, काढ़ा बना करके पिया जाता है, जो जब बुखार हो जाए, सिर दर्द हो जाए, तो शरीर की विभिन्न बीमारियों को दूर करने के लिए तुलसी के पत्तों का, तुलसी के बीजों का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए अश्वगंधा, अश्वगंधा का तो बहुत बड़ा रोल है, इसके पत्तियां, इसकी जड़ का हर्बल दवाओं में इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसा नहीं है, ये आपको, अब अश्वगंधा को आप आइडेंटिफाई करेंगे तो जहाँ आपका कॉलेज है, इस कॉलेज के आसपास बहुत सारे पौधे नेचुरली उगे हुए आपको मिल जाएंगे अश्वगंधा के, तो ये बहुत नेचुरल है, आसानी से मिल जाता है, और इसका हर्बल महत्व बहुत बड़ा है। अभी देखिए शतावरी है, आप एक इस फोटो में, इस इमेज में आप देख करके समझ रहे होंगे कि इसकी देखिए जड़ें किस प्रकार होती हैं, फूली हुई जड़ें होती हैं, तो शतावरी का भी एक अपना अलग महत्व है, इसका भी विभिन्न दवाओं में इस्तेमाल किया जाता है। इसबगोल है, इसबगोल को आप समझ गए होंगे, इसबगोल का तो, इसबगोल की भूसी आती है मार्केट से, यदि शरीर में जो कई प्रकार के विकार हो जाते हैं, डाइजेशन को ठीक करने के लिए भी इसबगोल का इस्तेमाल करते हैं, तो इसबगोल की भूसी है जो विभिन्न दुकानों पर मिल जाती है, पंसारी की दुकान पर मिल जाती है, तो वहाँ से भी आप लेते हैं। इसके अलावा देखिए खसखस है, खसखस का तो गर्मी के दिनों में बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है, और जब ये घास है, जो कि घास जब खसखस के अलावा भी इसका विभिन्न प्रयोजनों में इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ ये भी औषधीय बहुत महत्व रखती है खसखस भी। अब जैसे हमने सुगंधित औषधीय पौधों के बारे में पढ़ा, तो अभी हम यहाँ सुगंधित पौधों के बारे में पढ़ेंगे।
सुगंधित पौधों के बारे में थोड़ा सा बेसिक हम समझेंगे, इसकी परिभाषा क्या है, और कुछ बिंदुओं के द्वारा हम जानने की कोशिश करेंगे कि सुगंधित पौधों को किस प्रकार आप श्रेणीबद्ध करेंगे, कैसे समझेंगे। तो देखिए, यहाँ एक बड़ा तरीके से आप समझ पाएंगे, सिंपल सी परिभाषा है इसकी। इस परिभाषा को आप समझेंगे, देखिए पहली परिभाषा है, ऐसे पौधे जो सुगंधित पदार्थों का उत्पादन करते हैं या निकालते हैं, जिनका उपयोग खाना बनाने और खाद्य दवा या शराब उद्योगों में इत्र बनाने, शराब उद्योगों में इस्तेमाल किया जाता है या इत्र बनाने में भी इनका उपयोग किया जाता है। एक परिभाषा ये हो गई। दूसरी परिभाषा मैंने हाईलाइट की है बहुत आसान शब्दों में, सुगंधित पौधे पौधों के अलग अलग समूह हैं जो सुगंध या स्वाद में उपयोग किए जाने वाले खुशबू का उत्पादन करते हैं। बहुत साधारण से शब्दों में आप समझ गए होंगे। एक और तीसरी है, देखिए बहुत सिंपल सी है ये भी परिभाषा, सुगंधित पौधे एक विशेष प्रकार के पौधे होते हैं जिनका उपयोग उनकी सुगंध एवं स्वाद के लिए किया जाता है। हर छात्र समझ लेगा, बहुत सिंपल सा। तीन परिभाषा मैंने दी है, तीनों में से कोई भी परिभाषा आपको आ जाए तो आप उनको श्रेणीबद्ध कर लेंगे कि ये सुगंधित पौधे हैं और ये औषधीय पौधे हैं। कैसे? सुगंधित पौधे एक विशेष प्रकार के पौधे होते हैं जिनका उपयोग उनकी सुगंध एवं स्वाद के लिए किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ कुछ बिंदुओं के द्वारा और इसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। जैसे अभी देखिए कुछ बिंदु हैं यहाँ, और ये बिंदु कौन से हैं? औषधीय पौधे, इनका उपयोग औषधीय, जो औषधीय पौधों को हम समझ चुके हैं, लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं जिनका औषधीय महत्व भी है और सुगंधित महत्व भी है। यानी कि सुगंधित महत्व का मतलब कुछ तेल भी निकाले जाते हैं जिनका इत्र बनाने के लिए स्वाद में इस्तेमाल होता है, या फिर उनका सुगंध बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो एक तो ये हो गए, दूसरा हो गया कि इनको औषधीय उद्देश्य के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। किनको? सुगंधित पौधों को। तो ऐसे बहुत सारे सुगंधित पौधे हैं जिनका औषधीय पर्पज भी है और सुगंध के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो अगले बिंदु में हम समझेंगे कि सुगंधित पौधों के, जो सुगंधित पौधे हैं उनके विभिन्न भागों में कुछ यौगिक मौजूद होते हैं, और वो कौन कौन से भाग हैं? उस पौधे के कोई से भी भाग हो सकते हैं, जड़ हो सकता है, तना हो सकता है, पत्तियां हो सकती हैं, छाल हो सकती हैं, फूल हो सकते हैं, बीज हो सकते हैं, फल हो सकते हैं, पौधे के किसी भी भाग में ये पाए जा सकते हैं। तो ये भी हमें समझने वाली बात है, सुगंधित ऐसा नहीं है कि केवल हम समझ लें कि जड़ में पाया जाता है या केवल पत्ती के अंदर पाया जाता है या केवल फल के अंदर पाया जाता है, ये पौधे के विभिन्न भागों में मौजूद हो सकते हैं ऐसे यौगिक जो सुगंध के लिए इस्तेमाल होते हैं, स्वाद के लिए इस्तेमाल होते हैं। फिर अब अगले समझेंगे क्या प्रजातियां, जैसे अभी हमने औषधीय पौधों की प्रजाति के बारे में बताया, तो ऐसा ही जो वैज्ञानिकों का अनुमान है, लगभग 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 सुगंधित पौधों की कुल 1500 प्रजातियां हैं, और लगभग उन 1500 प्रजातियों में से 300 से ज़्यादा प्रजातियां ही ऐसी हैं जिनका इस्तेमाल सुगंधित पौधों के लिए किया जाता है, सुगंधित जो यौगिक है उनके लिए किया जाता है, यौगिक जो प्राप्त होते हैं उनसे सुगंध या स्वाद के जो कंपाउंड जो बनाए जाते हैं, उत्पाद बनाए जाते हैं, उनके लिए इस्तेमाल होता है। तो ऐसे 300 से ज़्यादा ही प्रजातियाँ हैं जिनका विस्तार से अध्ययन किया जा रहा है और किया जा रहा है। तो ये है। इसके अलावा अब यहाँ हम देखेंगे, देखिए जैसे मैंने अभी औषधीय पौधों की कुछ फोटो इमेज आपको बताई थी और उसके बारे में समझाने का प्रयास किया था, ऐसे ही आप सुगंधित पौधों के बारे में भी अब यहाँ समझेंगे। कैसे? देखिए कुछ इमेज है, लेमन ग्रास। अब इस लेमन ग्रास को आप कैसे समझेंगे? देखिए ये, देखिए एक घास जैसी होती है, हम घर में लेमन टी यदि बनाए तो नींबू का इस्तेमाल करते हैं, या आप मार्केट से कोई खरीद करके लेकर के आते हैं और उसको रेडी टू सर्व होती है, डायरेक्ट पानी बॉईल किया और उसके अंदर हमने डाल करके उसको इस्तेमाल किया। लेकिन ये लेमन ग्रास में क्या है, इसकी पत्तियों को डायरेक्ट आप इस्तेमाल करके हर्बल टी बना सकते हैं जो शरीर के लिए एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करती है, स्वाद और खुशबू अच्छी आती है, वेट लॉस में इसका बहुत सहायक है ये। तो लेमन ग्रास एक नेचुरली आप अपने आंगन में लगा सकते हैं, आप अपने खेतों में लगा सकते हैं, इसका हर्बल महत्व बहुत बड़ा है और औद्योगिक महत्व तो इसका जबरदस्त है। तो यहाँ देखिए दूसरे नंबर पे है पुदीना। पुदीना आपके घर के आसपास जहाँ पानी का अच्छा स्रोत है, यदि आप वहाँ एक
एक भी पुदीना का आप जड़ लगा देते हैं या एक भी पौधा आप लगा देते हैं पुदीने का, तो बहुत सारा पुदीना वहाँ फैल जाता है। मिंट, इसकी कई सारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो यहाँ पुदीना का भी औषधीय महत्व भी बहुत बड़ा है और यहाँ सुगंधित महत्व भी, चूंकि देखिए जब आप पुदीना का आप इस्तेमाल करेंगे, आप हाथ में लीजिए पुदीना को, उसकी पत्तियों को ऐसे रगड़िए तो उसका ऑयल आपके हाथ में आ जाएगा, हाथ में आ जाएगा तो आप उसको देखिए काफ़ी देर तक वो आपके हाथ में सुगंध देता रहेगा। तो ये सुगंधित पौधा है, लेकिन इसका यदि औषधीय गुण देखें तो बहुत बड़ा है। घर में चटनी में इसका इस्तेमाल करते हैं हम, विभिन्न जो हम खाद्य उत्पाद होते हैं, जो आहार प्रतिदिन आहार हम लेते हैं, उस आहार में इसका इस्तेमाल करते हैं, तो इसका महत्व तो एक अलग हो जाता है। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट है कैमोमाइल। कैमोमाइल टी फेमस है, इसके फूलों को, इसकी पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं उसकी चाय बनाने के लिए, और वो टी बहुत फेमस है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है। तो ये भी एक देखिए सुगंध, बहुत अच्छी सुगंध आती है, बहुत अच्छा स्वाद आता है। तो ये सुगंधित पौधे हैं, इसको समझना आपको बड़े ध्यान से पड़ेगा। यहाँ देखिए रोजमेरी है, रोजमेरी तो सुगंध के लिए जानी जाती है, इसका तो जो हम देखें तो सुगंधित है तो बहुत है। अब है जावा सिट्रोनेला, ये देखिए जावा सिट्रोनेला, ये भी एक घास प्रकार की होती है, लेकिन इसका सुगंधित महत्व तो अपने आप में है ही है, लेकिन औषधीय महत्व तो भी होता है। अभी पामारोजा आप देखिए, पामारोजा सुगंधित महत्व है, इसके विभिन्न तेल, सिट्रोनेला का पामारोजा ऑयल बहुत महंगा ऑयल इसका निकलता है और बेचा जाता है, विभिन्न प्रकार के जो उत्पाद बनाए जाते हैं उनमें इसका इस्तेमाल होता है। चंदन, आप भलीभांति परिचित होंगे चंदन से, खुशबूदार पौधा होता है, इसी की खुशबू की वजह से इस पर सांप लिपटे रहते हैं। तो ये चंदन की देखिए फूल, इसकी जो सुगंध है उसका इस्तेमाल भी विभिन्न प्रकार के जो उत्पाद बनाए जाते हैं उनमें इसका इस्तेमाल करते हैं, बाकी इसका औषधीय महत्व तो भी होता है। जवाना एक प्रकार की जो औषधीय फसल है, इसका भी इस्तेमाल होता है। गुलाब है, गुलाब को तो आप शायद समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप जानते होंगे गुलाब का इस्तेमाल तो बड़े स्केल पे किया जाता है। रोज ऑयल, रोज वाटर, रोज का गुलकंद बनाया जाता है, इसका मेडिसिनल मेडिसिनल उद्देश्य भी है और सुगंध में तो इसका जवाब ही नहीं है। इसका इत्र बनाया जाता है, इत्र भी बनाया जाता है, जो गुलाब जल है वो फेस के लिए, चेहरे पर लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। गुलकंद है, उसको खाया जाता है, उसका मेडिसिनल उपयोग है। तो ये बहुत देखिए आप इन सभी जो इमेजेस को देख करके आप समझ गए होंगे और कैटेगराइज श्रेणीबद्ध आप कर सकेंगे कि कौन से पौधे हैं जो सुगंध से संबंधित हैं, कौन से पौधे जो औषधि से संबंधित हैं, और ऐसे तीनों में हो सकते हैं। देखिए यहाँ स्पाइसेस भी हम आगे चल करके पढ़ेंगे, तो कई सारे ऐसे पौधे हो सकते हैं, कई सारे ऐसे पौधों के उत्पाद हो सकते हैं जो विभिन्न अंगों से या उसके भागों से प्राप्त होते हैं, जो मेडिसिनल पर्पज के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं, तो मेडिसिनल कैटेगरी में हम उनको रखेंगे। सुगंध, यदि तेल निकाले जाते हैं वो सुगंध के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, स्वाद के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, तो वो सुगंधित कैटेगरी में आ गए। और यदि स्पाइस के रूप में हम जो प्रतिदिन का आहार बनाने में हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो स्पाइसेस में आ गए। अब कई सारे ऐसे जैसे अदरक है, हल्दी है, जीरा है, गार्लिक है, प्याज है, आप इनको, आप मैं नाम ले रहा हूँ आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे, इनके औषधीय गुण भी होते हैं और स्वाद में देखें तो प्रतिदिन जो हम आहार में इस्तेमाल करते हैं तो इनका स्वाद और औषधीय, चूंकि सुगंधित, सॉरी, सुगंध और स्वाद में भी इनका इस्तेमाल होता है। अब देखिए अजवाइन है, रोजमेरी है, तो इनका इस्तेमाल प्रतिदिन हम आहार में भी करते हैं, पेय पदार्थों में करते हैं, तो ये औषधीय गुण भी है, स्वाद की दृष्टि से भी इनका महत्व है, सुगंध की दृष्टि से भी महत्व है। तो यहाँ आप बहुत आसान शब्दों में आप ये समझ गए होंगे। अब यहाँ इनका देखिए महत्व समझेंगे, औषधीय एवं सुगंधित पौधों का महत्व बहुत आसानी से आप इसको समझ पाएंगे, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि औषधीय पौधे कौन से होते हैं और सुगंधित पौधे कौन से होते हैं, तो अब इनका महत्व समझने में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अब कुछ बिंदुवार हम इनको समझेंगे, जब आप लिखेंगे भी तो ऐसा नहीं है कि केवल आपने एक पैरा लिख दिया और आपने समझा दिया कि भैया ये तो केवल औषधीय जो पौधे हैं, कुछ पौधे हैं जिनके अंगों से या भागों से कुछ कंपाउंड प्राप्त होते हैं और उनका औषधीय महत्व है, और कुछ का जो तेल प्राप्त होते हैं उनका इस इत्र के रूप में या कॉस्मेटिक के रूप में इस्तेमाल होते हैं तो सुगंधित हो गए। तो ऐसा नहीं है कि केवल आप उनको स्टेप बाय स्टेप चरणबद्ध तरीके से लिखेंगे, समझेंगे। और कैसे, देखिए पहला मैंने एक बिंदु है उसको आप समझेंगे कि औषधीय निर्माण के लिए कुछ ऐसे औषधीय पौधे हैं जिनके भागों से कुछ कंपाउंड प्राप्त होते हैं और उनसे औषधीय बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ऐसे कुछ जो पौधे हैं जो सुगंधित पौधों से संबंधित हैं,
जिनसे कुछ कंपाउंड प्राप्त होते हैं, जिनसे इत्र बनता है, तेल बनते हैं, उन तेलों का विभिन्न उत्पादों में इस्तेमाल होता है। तो यहाँ औषधीय निर्माण के लिए कौन से ऐसे पौधे हैं जो सुगंध वाले भी या औषधीय वाले भी, जिनका औषधीय निर्माण के लिए, जैसे किस चीज़ के लिए, मैंने कुछ दिया भी है, हाईलाइट भी किया, जैसे जुलाब के उपचार में रक्त पतला हो जाता है, रक्त पतला करने के लिए, सॉरी, रक्त पतला नहीं हो जाता, रक्त पतला करने के लिए, रक्त गाढ़ा हो जाए तो हार्ट रोग हो जाते हैं, हृदय संबंधी हृदयघात होने की संभावना रहती है। यदि रक्त गाढ़ा हो जाता है तो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज होने की संभावना हो जाती है, पंपिंग में जो समस्या आती है। लिहाजा रक्त को पतला करने के लिए विभिन्न जो हर्बल दवाइयां हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसी दवाइयों के निर्माण में कुछ जो कंपाउंड्स हैं उनका इस्तेमाल होता है। तो इसके अलावा कुछ मलेरिया रोधी दवाएं बनाई जाती हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स बनाने में इस्तेमाल होता है। तो उसके जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि आपके घरों के आसपास आपको सदाबहार मिल जाएगा, पेरीविंकल जिसको कहते हैं। अब बहुत आसान से शब्दों में आप समझ पाएंगे कि पेरीविंकल सदाबहार के पौधों के पत्तियां, फूल, जड़ सबको इस्तेमाल में लाया जाता है। सबका हर्बल महत्व है, औषधीय महत्व है। यदि उसके फूलों का प्रतिदिन इस्तेमाल, दो या तीन फूल प्रतिदिन खाए जाएं तो डायबिटीज नहीं हो सकती। यदि किसी को डायबिटीज है तो वो भी कम हो जाएगी। इसकी जड़ का चूर्ण या जड़ के जो कूट करके उसका चूर्ण बना के उसकी चाय पी जाए तो जो जिस किसी का भी जो ब्लड प्रेशर यदि कमज़ोर है, ब्लड प्रेशर में यदि प्रॉब्लम है कम या ज़्यादा है तो वो बैलेंस हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। तो देखिए कितने महत्व हैं। क्यों? सदाबहार के अंदर एक यौगिक पाया जाता है, उसका नाम है विनक्रिस्टिन। देखिए ये विनक्रिस्टिन पाया जाता है सदाबहार में। इसके अलावा एक यू ट्री है जिसमें टैक्सोल पाया जाता है, अफीम है, अफीम को आप जानते होंगे, उसमें मॉर्फिन पाया जाता है। ये भी विभिन्न दवाइयों के बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यह हम आसानी से समझ गए होंगे कि विभिन्न पौधों में विभिन्न यौगिक पाए जाते हैं जिनका इस्तेमाल औषधि निर्माण के लिए किया जाता है। एक तो ये हो गया, नंबर दूसरा हो गया आपका औद्योगिक महत्व। अभी देखिए एक दूसरे से संबंधित है, जब हम औषधियों का निर्माण करेंगे तो औषधियों का निर्माण एक तो घरेलू स्तर पर हो सकता है, जो केवल हम अपने घर में काढ़ा बना सकते हैं, चूर्ण बना सकते हैं, या ताज़ा फूल हम खा सकते हैं या उबाल करके उनको पिया जा सकता है। एक तो ये हो गया, एक हो गया कि जो फैक्ट्रियों में, इंडस्ट्रीज में बनाया जाता है तो वो एक औद्योगिक महत्व होता है। बड़े स्तर पर दवाई, जब मलेरिया की दवा है तो बड़े स्तर पर बनाई जाएगी। आजकल आप लोग सुन रहे होंगे कोरोना का महामारी फैली हुई है, पूरे विश्व में फैली हुई है। तो कुछ दिनों पहले अभी आपने एक चर्चा बड़ी तेजी से वायरल किया, वो सच्ची थी कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत सरकार से एक गुजारिश की थी कि आप हमें मलेरिया की जो मलेरिया रोग रोधी दवा है उसका आप आयात करना था उसको, तो उसको चाहिए थी कि हमें आप भेजिए। तो हमारे यहाँ से उसको भेजा गया, मलेरिया की जो दवा थी वो वहाँ भेजी गई। तो अब इसका जो कि देखिए ज़रूरत पड़ जाती है, ज़रूरत, और ये बनेगी कहाँ, ऐसा तो है नहीं घर में बन जाएगी इतनी बड़ी, ये तो इंडस्ट्रियल पार्ट है, औद्योगिक महत्व तो बढ़ जाता है। जब हम किसी उत्पाद का या किसी दवाई का निर्माण करेंगे उद्योग में तो उसका निर्यात भी होता है, उससे क्या होती है विदेशी मुद्रा अर्जित होती है। तो भारत भारत मतलब कोई भी देश आर्थिक रूप से संपन्न होता है। अब आर्थिक रूप से संपन्न कब होगा, जब उसका उत्पाद बाहर जाएगा, उसको विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी। तो इसके अलावा भी विभिन्न ऐसे उत्पाद हैं जो उद्योगों में ही निर्माण उनका होता है, उद्योगों में ही वो बनते हैं। तो उनका कच्चा माल जो है, औषधीय पौधे या सुगंधित पौधे, उनका कच्चा माल जैसे एलोवेरा है, तो एलोवेरा को भी उद्योगों में भेजा जाएगा, उससे विभिन्न उत्पाद, कहीं कॉस्मेटिक के उत्पाद बनाए जाएंगे, कहीं उनका जूस, एलोवेरा जूस बनाया जाएगा। तो इस प्रकार के एक अलग अलग उत्पाद तैयार होते हैं, फिर उनको भेजा जाता है अलग अलग, जिनसे मुद्रा भी अर्जित होती है, किसी भी देश का जो अर्थव्यवस्था वो मजबूत होती है, और जो किसान इनको उगाते हैं वो भी मजबूत होते हैं आर्थिक रूप से। तो ये औद्योगिक महत्व एक समझने वाली है। इसके बाद देखिए आर्थिक महत्व, ये उपरोक्त तो दोनों से संबंधित है कि औषधियों का निर्माण होगा, उद्योगों में होगा, तो मैंने अभी बताया कि यदि हम उसका निर्यात करेंगे तो विदेशी मुद्रा अर्जित होगी, और जो किसान इसको उगाएंगे खेतों में, नई योजनाओं, नई जो तकनीकों के द्वारा, नई वैरायटियों के द्वारा अच्छा उत्पादन लेंगे, अच्छा उत्पादन लेंगे तो उनका जो कच्चा माल है, जो रॉ मटेरियल है, वो उद्योगों में खरीदा जाएगा भारत सरकार के द्वारा, या जो प्राइवेट संस्थान है उनके द्वारा खरीदा जाएगा, वो उद्योगों में उनका निर्माण होगा, फिर वो उसको
देश के अंदर या देश के बाहर बेच पाएंगे, तो ये आर्थिक रूप से किसी देश को, किसी गांव को, किसी जिले को, किसी राज्य को मजबूत भी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए इसका आर्थिक महत्व भी बढ़ जाता है। पौधों से निकलने वाले विभिन्न रसायनों का विश्व बाजार, मैंने देखिए एक लाइन आपको यहाँ बहुत आसानी से समझेंगे, ये बहुत आसानी से आप इसको समझ लेंगे कि पौधों से निकलने वाले रसायनों के लिए विश्व बाजार में बहुत सारे ऐसे हैं जो सुगंध वाले हैं, स्वाद वाले हैं, विभिन्न रंग सामग्री वाले हैं, उनका बहुत बहुत कई अरब डॉलर का एक ये मार्केट है विश्व में, जो प्रतिदिन इधर से उधर होता रहता है। तो ये देखिए आर्थिक महत्व, इसको हम कुछ और बिंदुओं के द्वारा भी समझेंगे। जैसे अब यहाँ समझेंगे कि एक अनुमान यदि देखा जाए तो विश्व बाजार में जो जड़ी बूटियाँ हैं, औषधीय पौधों का, औषधीय जो जड़ी बूटियाँ, उनका कितना व्यापार है, लगभग जो वैश्विक व्यापार है वो 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष से अधिक है। और इसके अलावा यदि हम भारत की स्थिति और चीन की स्थिति देखें तो भारत एवं चीन का औषधीय पादप व्यापार सालाना है वो लगभग 2 से 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर है दोनों का यदि मिला लिया जाए। जबकि जर्मनी के बारे में हम यदि बात करें तो वहाँ सालाना लगभग 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है वहाँ का जो व्यापार है। तो ये भी महत्वपूर्ण है। अब यहाँ देखेंगे कि लगभग लगभग जो चीन के बारे में हम बात कर रहे थे तो चीन में लगभग 7,000 प्रजातियां और लगभग 7 लाख टन, कितना, लगभग 7 लाख टन औषधीय पौधों का प्रति वर्ष उत्पादन होता है। जबकि भारत की बात करें तो वहां भी लगभग 7,000 प्रजातियों का कारोबार इधर से उधर होता है, आयात निर्यात होता रहता है। हम यदि 2-3 वर्षों की बात करें तो यदि पिछले 5 वर्षों की बात करें तो चीन का जो बिक्री है, जो व्यापार है, वो 2 गुना लगभग हुआ, जबकि भारत का 3 गुना हुआ। चीन का लगभग 2 गुना और भारत का लगभग 3 गुना। यदि विश्व में इसके जो सुगंधित पौधों के तेलों का कुल उत्पादन की बात करें तो भारत में लगभग अनुमान से 16 से 17% की हिस्सेदारी के साथ विश्व में भारत का 3रा स्थान है। अब देखिए यहां ये बहुत बड़ी बात है, देखिए भारत का 16 से 17% की हिस्सेदारी के साथ लगभग विश्व में 3रा स्थान है जो सुगंधित पौधों से जो तेल प्राप्त होते हैं, इत्र प्राप्त होते हैं, सुगंध वाले, स्वाद वाले जो उत्पाद हैं उनका जो बाहर निर्यात होता है। देखिए कितनी बढ़िया हिस्सेदारी है। तो इससे पता चलता है कि जो आर्थिक स्थिति है, या हम देखें इसका फ्यूचर भी यदि बात करें औषधीय पौधों का, सुगंधित पौधों का, तो बड़ा अच्छा है। तो ये हमें समझने के लिए बहुत। अब यदि बात करें तेलों की तो निर्यात के क्षेत्र में देखिए कुछ जो तेलों का निर्यात करता है भारत और कुछ का आयात करता है। अब यदि बहुत समझने वाली बात है कि निर्यात किन का करता है, जो निर्यात किए जाने वाले जापानी तेल है, जापानी पुदीना तेल है और पिपरमिंट ऑयल है, चंदन का तेल है, चमेली है, चमेली का तेल है, जिलेनियम इत्यादि, इनके जो तेल हैं उनका वो निर्यात करता है, जबकि कुछ आयात भी करता है। जैसे जिलेनियम है, पचोली है, नारंगी है, लेवेंडर, जायफल, पिपरमिंट, सिट्रोनेला इत्यादि जो तेल हैं उनका, आवश्यक तेलों का वो आयात भी करता है। तो ये आर्थिक दृष्टि से इन बिंदुओं से आप समझ गए होंगे कि आर्थिक महत्व कितना बड़ा है। अब इसके अलावा जो अगला बिंदु है वो अनुसंधान एवं विकास के लिए भी उपयोगी है। अनुसंधान के लिए मैंने अभी बताया था कि एक CSIR, ICR एवं जो आयुष मंत्रालय के अंडर में इंस्टीट्यूशन है वो काम कर रहे हैं, तो वहाँ रिसर्च भी हो रही है, अनुसंधान भी हो रहा है एवं उसका विकास और प्रसार भी हो रहा है। तो यहाँ बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें आ जाती हैं कि कुछ नई टेक्नोलॉजी ईजाद करने के लिए अनुसंधान करना पड़ेगा, नई प्रजातियों का उत्पादन करने के लिए, नई प्रजातियों का ईजाद करने के लिए भी अनुसंधान करना होगा, फिर उनका प्रसार करना होगा, किसानों को वो नई योजनाएं, नई जो टेक्निक है, तकनीकी है, वो उनको बतानी होगी, नई किस्मों के बारे में भी समझाना बताना होगा, जिससे उत्पादन भी अधिक होगा, उत्पादकता बढ़ेगी और फिर विश्व बाजार में कहीं ना कहीं निर्यात बढ़ेगा, विदेशी मुद्रा अर्जित होगी, हमारा देश भी मजबूत होगा और कहीं ना कहीं किसान भी मजबूत होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगला बिंदु है देखिए स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए यहां यदि हम बात करेंगे स्वास्थ्य सेवाओं में, तो स्वास्थ्य देखिए अभी भी स्वास्थ्य सेवाओं में चिकित्सा
कई विकासशील देश जैसे भारत जैसे जो कई जैसे विकासशील देश हैं वहाँ अभी भी स्थानीय परंपराओं और मान्यताओं का उपयोग किया जाता है स्वास्थ्य देखभाल के लिए। स्थानीय परंपराओं और मान्यताओं का अभी भी ध्यान रखा जाता है स्वास्थ्य या बीमारियों का उपचार करने के लिए। तो ये अभी भी विकासशील देशों में ऐसी परंपराएं हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। विश्व जो स्वास्थ्य संगठन की बात करें तो उसके द्वारा भी परिभाषित किया गया है, उसके द्वारा भी बताया गया है कि क्या कि स्वास्थ्य पूर्ण शारीरिक मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है, ना केवल बीमारी या दुर्बलता का अभाव। ये महत्वपूर्ण बात जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा कही गई है। और इसके अलावा यदि देखें नॉर्मली तो भारत, चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका में पारंपरिक चिकित्सा का व्यापक प्रचलन है। बहुत बड़े क्षेत्र में यहाँ पारंपरिक जो चिकित्सा उसका जो अपनाई जाती है उस चिकित्सा का यहाँ जो पालन होता है। यदि इस क्षेत्र में देखें तो चीन में लगभग कुल औषधीय उपभोग का लगभग 40% पारंपरिक आदिवासी दवाओं को उपयोग किया जाता है। कितना? लगभग 40% से ज़्यादा। ये चीन की बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ ये आसानी से हम समझ गए होंगे। तो हमारे छात्र यहाँ औषधीय एवं सुगंधित पौधों का महत्व भी बड़े आसान से शब्दों में समझ गए होंगे, पांच बिंदुओं में, जिसमें औषधीय निर्माण के लिए क्या महत्व इसका हो सकता है, औद्योगिक महत्व क्या हो सकता है, आर्थिक महत्व क्या है, अनुसंधान एवं विकास के लिए कैसे उपयोग किए जा सकते हैं, स्वास्थ्य सेवाओं में औषधीय एवं सुगंधित पौधों का क्या महत्व है। तो इन पांच बिंदुओं के द्वारा आप आसानी से लिख सकते हैं, समझ भी सकते हैं। इसके अलावा भी कई सारे और बिंदु हैं जिनको हम समझ भी सकते हैं कि चूंकि देखिए किसी भी विषय का जो ऐसा नहीं है वो अध्ययन विस्तृत होता है, लेकिन यहाँ मुख्यतः पांच बिंदुओं में आप आसानी से इसको लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो इसी के साथ मैं लेक्चर समाप्त करता हूँ, और यदि इसके बारे में आपको कोई क्वेरी है तो आप जब क्लास में आप आएंगे तो आप पूछ सकते हैं आसानी से। थैंक यू वेरी मच।